अगर पूरे साल में आपकी रिसीट 40 लाख या उससे ज्यादा है, अगर आप सेल परचेस कर रहे हैं, और अगर आपकी टोटल रिसीट 20 लाख या उससे ज्यादा है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया जीएसटी का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके मंथली या क्वार्टरली, जैसे भी एप्लीकेबल हो, वो रिटर्न फाइल करें और उस पर जो भी जीएसटी बनता है वो भी जमा कराएं। जो शॉपकीपर्स अगर अपनी इस तरह से सारी रिसीट यूपीआई के थ्रू ले रहे हैं, और उनकी सपोज कीजिए एक साल में टोटल जो सेल है वो 40 लाख रुपए है, तो उसका 6% यानी के 2,40,000 पर वो इनकम दिखाकर इनकम टैक्स के सेक्शन 44AD के अंदर इनकम टैक्स में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिस पर कि उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और वो एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स के अंदर। हालांकि इस केस में क्योंकि इनकम 2.5 लाख से कम है, तो रिटर्न भरना भी मैंडेटरी नहीं है। फिर भी ये एडवाइजेबल है कि ऐसे व्यापारी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर फाइल करें, जो कि आगे काम आएगा। लेकिन अगर उसने ये सारा का सारा कैश रिसीव किया है, तो उसको यही प्रॉफिट अपना 8% के हिसाब से दिखाना पड़ेगा, यानी के 3,20,000 उसकी टोटल इनकम होगी। लेकिन क्योंकि ये 5 लाख से कम है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना पड़ेगा, लेकिन उस पर कोई भी इनकम टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की एक साल में 2 करोड़ रुपए टोटल सेल हुई यूपीआई के थ्रू, तो आप उसको ये उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कितना उसका सेल का अमाउंट है या कितना उसको सर्विसेज से मिला है। उसमें सिर्फ जो उसका नेट प्रॉफिट होगा वही उसका टैक्सेबल अमाउंट होगा, और अदरवाइज उसको 2 करोड़ रुपए का 6% यानी के 12 लाख रुपए पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी 40 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस होती है टर्नओवर की, या 20 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस होती है सर्विसेज के केस में, तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूर ले लें और उसका रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें, और जो भी टैक्स बनता है वो जमा कराते रहें। क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस करने के बाद भी इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नहीं लिया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा और आपसे पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, देखा यह गया है कि आजकल जो कस्टमर सर्विस सेंटर है, वो बिना RBI से परमिट या लाइसेंस लिए हुए मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि ऐसे कस्टमर सर्विस सेंटर RBI से ऑथराइज मनी ट्रांसफर गेटवे जरूर लें। आपको ये मनी ट्रांसफर का काम RBI से ऑथराइज होने के बाद ही करना चाहिए। अगर आप RBI ऑथराइज गेटवे नहीं लेते हैं, तो जो ऑलरेडी
आरबीआई के ऑथोराइज गेटवे हैं, उनके आप सब एजेंट या फ्रेंचाइजी बनकर भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, कैश रिसीव करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आपने जिस आदमी से वो पेमेंट लिया है उसका पूरा नाम, उसका पता, उसकी पूरी केवाईसी, आधार डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, किस काम के लिए वे पैसा लिया था वे भी उसमें दर्ज होना चाहिए, और इसके अलावा आपने उससे कितना कमीशन चार्ज किया है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। इसे आप एक्सेल में भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर फिजिकली रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं। उसमें यह लिखना आपको बहुत जरूरी होगा, उसका आधार कार्ड लीजिए, उसका आधार नंबर लिखिए कि इस व्यक्ति से फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,00,000 रुपया रिसीव किया था, वेर डेट, और ये 1,00,000 रुपया मैंने किस व्यक्ति को उसके बिहाफ पर पेमेंट किया है। मुझे तो उसमें सिर्फ 100 या 200 रुपए का कमीशन मिला है। ऐसे केस में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए, और उसमें सिर्फ आप जो अपनी कमीशन इनकम है वही दिखाइए, और अगर आपको अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो उसके बेसिस पर जो भी आपकी नेट इनकम आती है उस पर टैक्स पे कीजिए, और आपने जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हुई है वो भी आपका टीडीएस काटेगी, तो अगर आप रिटर्न भरेंगे तो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो वो टीडीएस भी आपको रिफंड मिल जाएगा आपके इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। और जैसे ही आपकी जीएसटी की लिमिट क्रॉस होती है तो आप इमीडिएटली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, उसके मंथली रिटर्न फाइल कीजिए, और जितना टैक्स ड्यू होता है वो भी समय से डिपॉजिट कीजिए। आज की तारीख में जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपस में दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि जीएसटी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को ना मिले और इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन जीएसटी वालों को ना मिले। और अगर आपने या तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या लिमिट क्रॉस करने के बाद आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं और एक बड़ी लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि आज की तारीख में हर चीज आपके आधार से लिंक है और आधार नंबर डालते ही आपके सारे ट्रांजैक्शंस, जीएसटी डिपार्टमेंट हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों के सामने वो खुल जाएंगे। और उस कंडीशन में अगर आपने ड्यू टैक्सेस पे नहीं किए हैं, अगर आपने समय से रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप जो भी ट्रांजैक्शन बिना मतलब के जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है और वो आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या ऐसे किसी दूसरे लोगों से करते हैं, उन सबको आप अवॉइड कीजिए, और जहां तक पॉसिबल हो उनको बिल्कुल भी मत कीजिए, सिर्फ थोड़े से कमीशन या रिवॉर्ड्स पॉइंट के लिए ऐसे ट्रांजैक्शंस मत कीजिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी के केस में ही ऐसे ट्रांजैक्शंस को कीजिए, और उनका भी आप पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब बाद में 1, 2 या 3 साल बाद आपका केस खुलेगा तो उस समय
जब आपको वो सारे ट्रांजैक्शंस इन डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करने पड़ेंगे विद डॉक्यूमेंट्स, और उस समय अगर आपने जिस समय ट्रांजैक्शन किया था उन सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो बाद में आपको इसको जस्टिफाई करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कैसे बता पाओगे कि ये पैसा कहां से आया था और कहां गया है? अगर आप प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, प्रॉपरली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर उसके रिटर्न फाइल करते हैं और जीएसटी पे करते हैं, तो जितना मर्जी आए उतने ट्रांजैक्शंस कीजिए यूपीआई के, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। यूपीआई के अंदर कोई आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शंस करोड़ रुपए के कीजिए, प्रोवाइडेड आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स बनता है तो वो जमा कीजिए, अगर जीएसटी बनता है तो वो भी जमा कीजिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझको बताइए, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिल सकें और हम और आप मिल सकें एक और नए वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।